की तैयारी सीटेट की तरह कराने के लिए जो यूपीटेट से एकदम अलग है, जबकि आपको पता होगा सीटेट की तैयारी यदि सीटेट की तरह किया जाए तो वास्तव में रिजल्ट सबसे बेहतर और सकारात्मक मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग संस्थान यह कहते हैं कि आधा यूपीटेट सीटेट के बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीटेट सिद्धांत पर है और सीटेट समझ पर है। इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लास आपके लिए उपलब्ध है, और जो साथी किसी भी संगठन के पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष हो या प्रदेश कार्यकारिणी में सम्मिलित हो, उनके लिए हमारी ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है। वो अपना पूरा परिचय, क्योंकि परिचय नहीं देगा सभी अभ्यर्थी ये कहेंगे कि हम भी जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम करके आप अपनी संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद हम आपको अपने एप्लीकेशन ई लर्निंग बुद्धगेस और टेलीग्राम पर हम आपको ऐड कर देंगे, जहां से आप हमारी सभी क्लासेज आपको पूरी तरह से प्रॉपर वे में उपलब्ध हो जाएंगी, जहां से आप सबसे ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वह आपको एक अध्यापक बनना, नेता बनना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके संगठन के ऐसे साथी होंगे जिनका एक ख्वाब होगा एक भविष्य में आगे चलकर एक नेता बनना, और लेकिन आपका एक छोटी सी सोच होगी, एक छोटी सी उम्मीद होगी कि आपको एक नेता न बनकर आपको एक सहायक अध्यापक बनना है, क्योंकि आपका लालन पोषण, आपकी उम्मीदें, माँ बाप के पैसे इस उद्देश्य से आप लगा रहे हैं, आप इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं ताकि आप एक सहायक अध्यापक बन सके। इस उद्देश्य से नाते आप सबसे पहले, क्योंकि आपके सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो डेलट कर रहे हैं, उन साथी के लिए एक फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम और उसके ठीक सामने आपके एक सीटेट की परीक्षा, उसके बाद यूपीटेट की परीक्षा, मतलब अगर कहीं से भी आप किसी भी चक्रव्यूह में अगर आप फंसते हैं कहीं ना कहीं आप अपने आने वाले नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए क्योंकि अगर आप फोर्थ में बैठा फिर भी भर्ती से बाहर, सीटेट नहीं अगर आपका हुआ तो आपके सामने अगली लड़ाई है वो यूपीटेट की है, मतलब सीटेट एक सेमीफाइनल है लेकिन यूपीटेट आपका फाइनल मुकाबला है। इसलिए आपको अपनी जगह पक्की करने के लिए सीटेट यूपीटेट में दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई करना होगा। इसलिए आप अपने नेता जो भी आप काम कर रहे हैं, जो क्योंकि वो प्रशिक्षु हित में काम कर रहे हैं, उस हित को ध्यान में रखते ही अपनी पढ़ाई का भी विशेष ख्याल रखना। हो सकता है मेरी ये वीडियो कुछ व्यक्तियों को नागुजार गुजरे, कुछ व्यक्ति इस पर कमेंट करें, कुछ लोग इस पर किसी प्रकार के वक्तव्य दे, हो सकता है लाइक करें, गाली भी लिखें, लेकिन मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक अध्यापक रहना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है, हम लोग को नेतागिरी नहीं करनी, क्योंकि हमारा एक ही काम है आपको आपके मार्ग तक ले जाना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बाकी लोग की तरह हमें भी इस तरह जाना, लेकिन मुझे इस तरह से दूर दूर तक मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं है, न भविष्य में ऐसा कोई संबंध होगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना, क्योंकि आप अपने माता पिता के, अपने परिवार की एक बड़ी उम्मीद है, और हम ये जानते हैं कि आप इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक सहायक अध्यापक बन जाए। तो आप किसी भी संगठन से हो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बैच से हो, किसी भी संगठन, किसी भी प्रशिक्षण से हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि आप प्रशिक्षण से जुड़े हुए, आपके पास कोई ना कोई उनके द्वारा दिया गया एक प्रतिचिन्ह होगा जिससे मुझे ये विदित हो पाएगा, क्योंकि आप एक पदाधिकारी हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग उसके अलावा लोग ये कहेंगे सर सभी को फ्री में क्लासेस दीजिएगा, मैं तत्पर हूं, तैयार हूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा बिजली बिल, रूम रेंट, अध्यापकों को पेमेंट, वो पूरे वर्ष में करना होता है, वो हम कहां से करेंगे। तो मतलब आप लोग का एक छोटा सहयोग जो आपके लिए मामूली सहयोग है, मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए ₹2000 निर्धारित किया है, यह 2000 निर्धारित क्लास में हम आपको पूरी कोर्स उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ में नोट्स उपलब्ध होगा, और एक बड़ी बात यह है कि मेरी गारंटी है कि आप सफल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए छोटा सा बात यह है, मैं आपको खुलकर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो पढ़ाई मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह आपकी मर्जी से मैं क्लासेस नहीं लूंगा, क्योंकि वो मुझे समझ में आएगा कि मुझे आपको किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि सफलता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यदि मेरी है तो मुझे भी ये निश्चित करना है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। मैं आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी से मेहनत आपको करनी है, रास्ते मेरे हैं, चलना आपको है, मंजिल आपको तय करना है, बशर्ते वो दिखाया जाने वाला रास्ता मेरा रहेगा, क्योंकि मैं तैयारी कराऊंगा अपने हिसाब से ताकि आपको 120 प्लस कराना है, वो भी खासकर सीटेट में, ताकि अगली बार सुपर टीटी और यूपीटीटी के लिए आप पूरे प्रदेश में एक ही बात कहें, ई-लर्निंग बुद्धगेस इज द बेस्ट फॉर यूपीटीटी, सीटीटी, सुपर टीटी। कारण क्या है कि हम खुद एक अभ्यर्थी रहे हैं, और एक अभ्यर्थी रहने के नाते मैं दो बार सीटेट क्वालिफाई हूं, प्राइमरी अपर दोनों क्वालिफाई हूं, और मैं एक दिन भी किताबें नहीं उठा, क्योंकि पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलते, और सीटेट और सुपरटेट भी हूँ, और सुपरटेट के लाइन में लगा हूँ, सब कुछ सही रहा तो 69,000 में चयनित भी हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने का जो मैंने पढ़ लिया मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि आप यदि आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए आपको यह नंबर है और ₹2000 है। यदि आपको केवल नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी हाँ
हम लोग पूरी तरह से प्रॉपर तैयार हैं। नोट्स के लिए भी 1500 रुपये सीटेट की नोट्स है प्लस 200 रुपया कोरियर का, कुल मिलाकर आपको 1700 रुपये में नोट्स आपके घर तक पोस्ट किया जाएगा और हम आपको प्रैक्टिस शेड्यूल उपलब्ध कराएंगे। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे आपको कैसे पास कराना, क्योंकि यूपीटीटी के लिए रट्टा नहीं, सीटेट के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है, वो मुझे इस बात का सोचना है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो एक बात मैं आपसे फिर पुनः कहना चाहूंगा, पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये आपके सामने, अगर आपको अगर भविष्य में बड़ा नेता बनना हो उसके लिए आप कर लीजिएगा यूपीटीट सीटेट पास होने के बाद नेतागिरी कर लीजिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी सलाह, भाई होने के नाते एक अध्यापक होने के नाते मैं छोटी सलाह दूंगा, क्योंकि आप मैं अनुभव और मैं इतने लोगों को देखने के बाद, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारी राजनीतियाँ सामने से देखी हैं, तो आप अगर आप सफल हैं तो सब कुछ सही है, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपके माँ बाप गाली देंगे, आपका परिवार गाली देगा, आप समाज देगा, और 2 साल के बाद आप पूरी जिंदगी रोएंगे, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं दुर्गेश्वर की बात मान लिया होता, यह दिन देखना ना पड़ता। आप अपने अधिकार के लिए सजग रहिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने अधिकार की बात रखिए, लेकिन साथ में कभी अध्ययन अध्यापन से समझौता ना करिएगा, क्योंकि आप, मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी तरह एक उस परिवार से होंगे जिस परिवार में एक समय था 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। अगर मैं भी वह काम करता, भविष्य में करने को सोचता, शायद मेरी स्थिति यथास्थिति कहाँ रही होती, लेकिन मैंने कभी अपने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, मैंने कभी अपने आप से समझौते जरूर किए, लेकिन समाज से अन्य लोगों की बातों को मैंने कभी नहीं लिया। आज उसका परिणाम यह है कि मैं आज आपके सामने हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस समय एक सूत्र का काम करिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेहतर दीजिए, ये सारी काम करने की पूरी जिंदगी पड़ी है, क्योंकि आप हम और ये हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते तो आपके पीठ पर सबसे पहले आपके माता पिता कहते थे जब पढ़ने का समय था तुम तो नेतागिरी कर रहे थे, अब कौन होगा। और सोच लीजिए आपका साथी पढ़ने वाले यदि सफल हो जाएगा तो 2 वर्षों बाद, यदि अगली वैकेंसी 3 साल बाद आएगी, आपका चयन अगर 3 साल बाद हुआ, तब तक 1 महीने की तनख्वाह 40,000, साल की तनख्वाह 5 लाख और 15 लाख आपसे ज्यादा, TDA प्रमोशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब आपका चयन एक बार नहीं होता, अगली वैकेंसी 3 वर्ष बाद आती है, तो पढ़ाई से मोहमाया दूर हो जाता है, आदमी पढ़ता नहीं है, और फिर जब वैकेंसी तब पढ़ना शुरू करता है तब और मेधावी लड़के आते हैं, मेरिट और बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा इस भर्ती को आप अपनी जिंदगी की अंतिम भर्ती मानकर पढ़िएगा, और ये सोचिएगा कि यह जिंदगी की सबसे अंतिम वैकेंसी है और यह पढ़ाई आपकी कल होने वाली आपकी परीक्षा है, क्योंकि आपके सामने 4 सेमेस्टर, कुछ के सामने 3rd सेमेस्टर, उसके बाद यूपीटेट सीटेट सुपरटेट है। मतलब एक जगह अगर आप धोखा खाते हैं तो आप अपने मंजिल के साथ साथ अपने परिवार की उम्मीदों से कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप सब पठन पाठन पर अभी ध्यान दे दे, क्योंकि पूरा जिंदगी बचा है अन्य कार्य करने के लिए, लेकिन यह 3 महीने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णायक 3 महीना होगा। आपने पूरी लाइफ क्या पढ़ा ये माने नहीं रखता, लेकिन यह 3 महीना आपकी जिंदगी का सबसे अहम और निर्णायक महीनों में से एक है, क्योंकि यह 3 महीना यह बता देगा कि आपको महीने की 40,000 रुपये की सहायक अध्यापक की जॉब करनी है या बंबई में 10,000 की जाकर नौकरी करनी है 12 घंटे, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो, 1 महीने में 5 छुट्टियां मिलती है, 13×5=65, माने जितनी आपको सहायक अध्यापक बनने के बाद छुट्टियों की तनख्वाह मिलती है उतने महीने के तनख्वाह पे लोग काम करते हैं। कभी सोच कर देखिएगा, या पीसीएस से कुछ पद को छोड़ दिया जाए तो सहायक अध्यापक के जो वेतन है लगभग पीसीएस के बराबर, कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो, मतलब कि एक साफ है कि यह 3 महीना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णायक 3 महीना होता है। हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में ना आए, हो सकता है आप मुझे गाली लेके, हो सकता है कुछ लोग को मेरी बातें नागवार गुजरे, वो इससे कमेंट करेंगे, वो अभद्रता फैलाएंगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, एक भाई होने के नाते मैं बताऊंगा, अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप सफल नहीं हो पाती तो पता है क्या होगा, हमारे आसपास की जो हमारी छोटी बहनें हैं उन्हें पढ़ने के लिए हमारे माँ बाप या पड़ोस ये कहेगा, फलाने की बेटियाँ पढ़कर कुछ नहीं हो पा रही, तुम्हारा बाकी है, लेकिन जिस दिन आप सफल होकर आएंगी उस दिन हर एक माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजेंगे, उन्हें भी प्रशिक्षण दिलाएंगे, वो भी ये चाहेंगे, ये भी पढ़ेगी तो फलानी बिटिया की तरह हो जाएगी। इसलिए आप अपने तो सफल होंगी लेकिन आने वाले उन बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश छोड़ जाएंगी, मतलब वह संदेश एक सकारात्मक संदेश होगा। इसलिए आप अपने लिए पढ़े ना पढ़े लेकिन आप आने वाले उन सभी के लिए पढ़े, ये ये लड़कों लड़कियों दोनों पर लागू होता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी लागू होता है। अगर मैं असफल हो जाऊं तो ये पूरा गांव ये कहता है कि फलंग लड़का देखो बड़ा घमंडी है, उसका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बाकी है, उतना साल से पढ़ रहा है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं वही गांव वाले कहते हैं मैं जानता था ये कुछ जरूर करेगा, और वह
अपने भी बेटों को पढ़ने के लिए भेजते, इसलिए भारत की साक्षरता दर और बढ़ेगी और साक्षर के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। मतलब आपके सफल होने से उस प्राथमिक विद्यालय की सूरत तो बदलेगी बदलेगी, लेकिन एक समाज की जो व्यथा है, जो लोगों की सोच है, लोगों का विचार है, वह भी बदलेगा। मतलब आपके सफलता से केवल आपका परिवार सुखी नहीं होगा, आप स्वयं सुखी नहीं होंगे, वह विद्यालय होगा, जिस विद्यालय में जाके इस प्राथमिक की जो दशा है उसे आप सुधार करेंगे, अपना बेहतर देंगे और साथ ही साथ समाज को एक सकारात्मक संदेश देकर जाएंगे कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, यदि पढ़ा जाए, मेहनत किया जाए तो आप हर एक काम को आसानी से किया जा सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यहाँ पे, यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना उसके लिए 2000 रुपये है, नोट्स आपको चाहिए तो 1500 के नोट 200 रुपये कोरियर खर्च के साथ 1700 रुपये में उपलब्ध होगा, लेकिन पढ़ाने का तरीका पूरी तरह से मेरा होगा, मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊंगा, बस फर्क इतना है कि पढ़ाना आपको, मैं स्कोर कराने की गारंटी लेता हूँ, स्कोर कैसे बेहतर कर पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए अपना बेहतर देना होगा। अगर जिंदगी इंग्लैंड बननी होगी कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, खैर अगर आप मेहनत करेंगे सब कुछ साथ रहेगा, तो वास्तविकता यह है सफलता झकमार कर पीछे आएगी। एक बात मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जितने भी पदाधिकारी हैं किसी भी संगठन के, अगर वो ऑनलाइन क्लास, उनको मैं इसलिए दूंगा क्योंकि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के हित के लिए धरना प्रदर्शन, अन्य अभ्यर्थियों के हित के लिए उनकी आवाज के लिए लड़ते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई से दूरी हो जाती है उनकी, उसी के लिए मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास फ्री में लेकर, उसका यह मतलब है कि मैं उनके सहयोग की बात करता हूं, लेकिन अगर आप मेरा भी सहयोग नहीं करेंगे तो शायद हम आपके बीच उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज की पैसे लगते हैं, यहां तक कि रूम रेंट, दो दो वाईफाई, कैमरा, 5-5 एम्प्लाई, सारे टीचरों को, मतलब सब कुछ मैं पेमेंट करना था, पूरे साल का देना पड़ता है, लेकिन आपकी क्लासेस 2 महीने चले ना चले, लेकिन जो पेमेंट होता है मुझे पूरे साल का करना पड़ता है। अगर आप मुझे सहयोग करेंगे तो शायद हम, हमारे अंदर भी एक उमंग आएगी, हमारे अंदर एक वो होगी, अगर मैं इन चीज़ों से दूर रहूंगा कि मुझे रूम रेंट कहाँ से भरना, मुझे किराया कहाँ से भरना, मुझे बिजली बिल कहाँ से देना, तो शायद मैं भी कुछ बेहतर कर पाऊंगा। मतलब आपका सहयोग मेरे लिए भी होगा तो मैं भी और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, मैं भी अपनी किताबें ला पाऊंगा, क्योंकि उतने मेरे पास पैसे नहीं है जिस वजह से हम किताबें आपके लिए नहीं ले पा रहे, मेरे पास कंटेंट है, क्योंकि सीटेट को अगर सीटेट की तरह पढ़ा जाए तो वास्तव में सीटेट को क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार ध्यान से मन से सोचिएगा तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अभ्यर्थी हैं, यदि आप कुछ मेरे लिए बेहतर करना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हैं, अगर पदाधिकारी भी हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं आप तो अध्यापक बनेंगे तो आप पैसे आपको मिलेंगे, बिना पैसे के आप नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि हर एक काम, यहाँ तक कि जो झाड़ू लगाता है उसको मुझे पैसे देने पड़ते हैं, आपको शायद ये बात पता होगा, आप भी कहीं काम करने जाएंगे तो सबसे उम्मीद है कि पैसा, बिना पैसे का आप कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ ताकि आपका भविष्य उमड़ जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे नेता को देखा है मेरे साथ के थे और आज उनके साथ समस्याएं उत्पन्न, तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसी समस्याओं का जन्म हो। और मैं जानता हूं आप सभी के अंदर एक गुण है, एक क्वालिटी है, इससे केवल केवल मेरी साथ उम्मीद के साथ आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए इलेनिबल दुर्गेश के साथ जुड़ जाइएगा। यदि एक सामान्य अभ्यर्थी हैं और आप मेरी ऑनलाइन क्लास को जुड़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़कर सहयोग देना चाहते हैं, उसके लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे वाले पे व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर है, यदि आपको किसी प्रकार की जरूरत होती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। और जब इलेनिबल दुर्गेश फेसबुक पेज, इलेनिबल ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एक जगह इलेनिबल दुर्गेश है, हमारा यूट्यूब भी इलेनिबल दुर्गेश है, जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सभी साथियों को शेयर कर दिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की बात है, मैंने अपने सामने रख दिया, मैं ये जानता हूं कि ये बातें जो मैंने कही है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, यदि मेरी किसी बात से व्यक्ति या व्यक्ति के समूह किसी प्रकार का ठेस लगाओ मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ये चाहूंगा, मैंने अपनी बातें रखी आपके सामने, सही है या गलत इसका निर्णय तो आप करेंगे, लेकिन मैं ये बार बार कहूंगा कि आप अपना बेहतर सबसे पहले दीजिएगा, उसके बाद साथ ही साथ आप सभी काम करते रहेगा, लेकिन अपने पढ़ाई के साथ न कभी समझौता करिएगा, न कभी समझौता के लिए सोचिएगा, क्योंकि जिस समय आप सफलता की दहलीज से दूर हो जाते हैं आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता सिवाय आपके, जब परीक्षा हाल में आप बैठे होते सिवाय आपके वहां आपका कोई नहीं होता, गलत प्रश्न का जवाब देते वहां सिवाय आपके कोई नहीं होता, सफल होते उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते, असफल होते उसके जिम्मेदार आप स्वयं होते, अगर सब जगह आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं तो इसका विचार करने की भी जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए मैं पुनः आपसे अंत में आपके माता पिता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे माता पिता की तरह आपके माता पिता का मुझे अगर आशीर्वाद प्राप्त रहेगा, मैं नित प्रतिदिन अपनी मेहनत के बल पर आपके साथ, आपके पूरे जिले में, आपके पूरे प्रदेश के सभी साथियों से जुड़ूंगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सर को नेता बना, मुझे ऐसा कभी न किया है, न कभी ऐसा सोचा, न ऐसा विचार है, और वीडियो को सेव करके रख भी लीजिएगा, क्योंकि मुझे, मैं बतौर एक शिक्षक
आपके लिए बतौर एक भाई आपके लिए तत्पर था, तत्पर हो, तत्पर होगा। छोटी सी जिंदगी है, लाखों लोग रोज पैदा होते, लाखों लोग रोज मरते, कुछ ही चेहरे लोग याद कर रखते, उन्हीं चेहरों में से मुझे एक बनना है, बस उसी के लिए मैं दिन रात एक मेहनत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप भी मेहनत करेंगे, कभी मेहनत समझौता नहीं करेंगे, लेकिन मेहनत करने के रास्ते सही होने चाहिए। मेहनत तो सब करते, सभी कुछ संस्थान पढ़ाते हैं, लेकिन सफल सब नहीं होते। एक मजदूर मेहनत मजदूर भी करता है, एक इंजीनियर भी करता है, लेकिन मजदूर की तनख्वाह एक दिन की 300 होती है और उस इंजीनियर की तनख्वाह एक दिन की कितनी होती है, 30,000। मतलब मेहनत सब करते हैं लेकिन मेहनत करने का तरीका अलग होता है। तो मेरा काम क्या है, आपको तरीका बताना, आपको अपने रास्ते पर लेके चलना, ताकि आप सफल हो। सभी लोग पढ़ाते और कहीं ना कहीं से आप जुड़े होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को कहीं भी पढ़ें, किसी भी तरह पढ़े, लेकिन पढ़िएगा जरूर, अपना बेस्ट दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में यदि आपको लगता है कि दुर्गेश सर की जरूरत है, तो ईद लर्निंग में दुर्गेश आपके लिए तत्पर था, तत्पर है, तत्पर रहेगा। जब कभी आपत्ति प्रश्नों की बात आती है, कोई भी कोचिंग संस्थान कोई भी हो, कोई साक्ष्य नहीं देता, केवल यूट्यूब पे आकर बताता है ये गलत है ये सही है, ये साक्ष्य देने नहीं आते। और जब तक साक्ष्य नहीं है तब तक आरोप लगाना निराधार होता है। मार्केट में कोई भी किताब जो होती है, जीरो बट्टा लड्डू आयोग कोई स्वीकार नहीं करेगा सिवाय NCERT के। इसलिए मैं NCERT पढ़ता हूँ, NCERT पढ़ने में बल देता हूँ। मेरे जो नोट्स होते हैं NCERT पैटर्न पर ही होते हैं। फिलहाल एक किताबों के न होंगे, कई किताबों का समावेशन होते, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ वहाँ से। इसीलिए यदि आपको लगता है मैं बेहतर हूँ तो आपका मोस्ट वेलकम, नहीं बेहतर लगता हूँ तो भी कोई बात नहीं। यदि लगता है कि जो मैंने कहा वो सही है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने प्रदेश के सभी ग्रुपों में डाल दीजिएगा, ताकि अन्य सभी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, वो भी जाने और जुड़ जाएँ। एक बात लास्ट में, एक रोटी कम खाइएगा, एक टाइम उपवास रह लीजिएगा, लेकिन कभी अपने आप से, अपने पढ़ाई से कोई समझौता मत करेगा, क्योंकि यह आपका वास्तविक साथी है, बाकी कोई नहीं है, इतिहास गवाह है, कोई किसी का नहीं होता सिवाय आपके अपने ज्ञान के अलावा। इसलिए सब कुछ करिएगा, लेकिन इसको दरकिनार मत करिएगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो लिंक को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर। लेकिन आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के लिए टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करके दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश से, जहाँ से आपको सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है और दुर्गेश सर का एक नया चैनल है, जहाँ से आपको मैराथन क्लास जल्दी उपलब्ध होगी। और कोई सुझाव होगा आप कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक से हमें कमियों की मूल्यांकन करेंगे और अपने लिए नया करने का एक विचार मेरे मन में भी आएगा। पुनः आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए मोस्ट वेलकम, केवल पदाधिकारियों के लिए क्लासें निःशुल्क है, बाकी के लिए आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं कैसे बेहतर कर पाऊंगा। और पदाधिकारी आप अपने प्रूफ अगर मुझे नहीं भेजेंगे, सभी अभ्यर्थी कहेंगे मैं पदाधिकारी हूँ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और उसी के साथ आप सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।